हमारा ये कक्षा पांचवी इस कक्षा में जो हिंदी विषय है, इस हिंदी विषय में का हम एक लेसन हमने भी एक कविता पढ़ने वाले हैं। मैंने आपका नाम बताया है कि हम पाठ की ओर जाते, कविता की ओर जाते हैं। लेकिन बच्चों देखो, जब कभी हम कुछ नई चीज को शुरुआत करते हैं, नई चीज सीखने को शुरुआत करते हैं, उसके पहले हम लोग कुछ अच्छी बातों की ओर ध्यान देते हैं। हमारे घर में कुछ प्रोग्राम रहता है, कुछ कार्यक्रम रहता है, तो हम किसी अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। उसी तरह आज हमारा पहली ही कविता हिंदी विषय की है। इस विषय से पढ़ना है, इसके लिए हमें शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए। और मेरी शुरुआत ये सुविचार से होती है, गुड थॉट्स से होती है। इसकी वजह भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। बट आज का जो हमारा सुविचार है, आपको एक्टिव रहना है। मैंने बोला आपको पढ़ना है, अंदाज पढ़ना है, गलत हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गलती करना ही इंसान ही गलती करता है। और अगर आप गलती करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, गलती नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में का एडिशन का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, करना है, आपको नहीं आता है एडिशन का सम सॉल्व करने को, बट आप उसका प्रैक्टिस करोगे, उसका सराव करोगे, तो आपको एक दिन वो जरूर आएगा। 10 बार आपकी गलती होगी, बट एक बार आपको वो अच्छे से सॉल्व करने को आएगा। इसलिए गलती की तो भी चलेगा, सही आंसर दिया तो भी चलेगा, गलत दिया तो भी चलेगा। पढ़ने को सर कहते तो पढ़ो, गलत पढ़ा तो नहीं, सही पढ़ा तो भी चलेगा, बट हमको बोलना है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। तो बच्चों देखो, इधर हमारा आज का सुविचार है। कौन पढ़ने वाला है? कोई पढ़ेगा? देखो इधर मैंने पॉइंट कर रहा हूँ, आप में से कोई पढ़ना चाहता है? क्योंकि आप बच्चों देखो, हमारे पास ओनली 40 मिनट्स का टाइम होता है, और उस 40 मिनट्स में हमें जो भी लेसन है, कविता पढ़ना सीखनी है। हाँ पढ़ो बेटा, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। देखो, वेरी गुड बेटा, नाइस। आपके आज का हमारा जो सुविचार है आपके जीवन की खुशी आपके विचारों के पर निर्भर करती है। देखो, हम कितने भी बड़े, बहुत पैसे वाले, बहुत कुछ है हमारे पास, बट हमारे विचार अगर अच्छे नहीं रहेंगे, दूसरे के बारे में विचार अच्छे नहीं रहेंगे, तो हमारी गुणवत्ता का जो भी महत्व है वो कम हो जाए। इसके लिए हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए, हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छे होने चाहिए। क्योंकि गलती हम करते हैं, इसके लिए लोग हमें बुरे लगते हैं। बुरा कोई भी नहीं होता है, सब एक दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं, और हमें भी एक दूसरे का क्या करना है, अच्छा ही करना है। इसके लिए आज का जो हमारा सुविचार है बच्चों, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपके जो जीवन है, जो जी रहे हो, जीवन है ना, जी रहे हो, ठीक है ना, आप जो जी रहे हो, आप स्कूल का लाइफ जी रहे हो, स्कूल घर पे रहते हो वो जीवन जीते हो, मम्मी के साथ रहते हो वो जीवन जीते हो, घर में रहते हो सब फैमिली के साथ जीवन जीते हो, स्कूल में सब फ्रेंड्स लोगों के साथ जीवन जीते हो, अगर समाज में जीवन जीते हो, जिस एरिया में रहते हो वहां पे आपका जीवन आप जीते हो। जीवन इस शब्द का अर्थ है जिस टाइम आप भी जीवन जीते हो, जीवन यानी जिधर आप जी रहे हो। देखो अभी मैं सिखा रहा हूँ, ये भी जीवन है। हम बाहर जाते हैं, घर पे रहते हैं, जीवन जीते हैं। जीवन यानी हमारा जो भी लाइफ है, का लाइफ कैसा था, आज का लाइफ कैसा है, और फ्यूचर का लाइफ कैसा रहेगा, ये हमारा जीवन है। और ये जीवन अगर हमें अच्छे से जीना है, इस जीवन को हमें सार्थक बनाना है, तो हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। बच्चों कभी किसी के बारे में हमें गलत नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है, सबको अच्छा राह दिखाना है, अच्छी राह दिखाना है, अच्छा मार्गदर्शन करना है, अच्छा गाइड करना है। हमारे जो भी फ्रेंड्स क्लास जूम क्लास ज्वाइन नहीं करते, उनको बताना है कि क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि थोड़े हमें जो भी मिलता है क्लास में से जो मिलता है या हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो हमारे जीवन में आज ना कल कभी ना कभी वो काम आने वाला है। इसलिए हमारा जो सुविचार है आज का आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो हमारे जो विचार है हमारे विचार कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। इसलिए फिर हमारा जो जीवन है वो अच्छे से हम जी सकते हैं। तो बच्चों अभी देखो आज हम एक 5वीं कक्षा में की एक कविता पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड 5 में की कविता पढ़ने वाली है और उस कविता का नाम है जीवन। क्या है? जीवन। अभी जीवन के बारे में मैंने सुविचार में आपको बताया है, उसी तरह से आज हम जीवन ये कविता नई कविता है सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं जो भी कविता है जो भी लेसन्स है वो जिसमें से आपको अच्छा सा मैसेज मिलेगा वही सिलेक्ट कर दो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, जो भी मेरे पार्ट हुए उसके पहले मैंने आपको बताया है कि जो भी मेरी कविता होती है जो भी लेसन्स होते हैं जिसमें से आपको अच्छे से मैसेज मिलना चाहिए, आपका जीवन अच्छा बन सके, यही मेरा उद्देश्य रहता है। इसके लिए आज की जो कविता है वो मैंने सिलेक्ट की है जीवन। और जीवन किस तरह से हमें जीना है, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, क्या जीवन होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहा है पिक्चर्स है कि नहीं, पिक्चर्स दिख रहे हैं। इस पिक्चर्स में इस चित्रों में आपको कुछ अलग सा दिख रहा है। देखो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, इधर देखो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं है कि नहीं, ये लोग काम कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं उनके सर पे। इधर आपको वॉच दिख रही है, घड़ी दिख रही है कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ इस चित्रों में दिख रहा है। बट बच्चों चित्र जो भी पिक्चर्स होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में वो पिक्चर्स क्यों होते हैं, क्योंकि उस पिक्चर से हमें कुछ ना कुछ अच्छा संदेश कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज हमें मिलता है। इसलिए हमें जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स रहते हैं उनको केयरफुली से ऑब्जर्व करना है, देखना है कि देखो बच्चे अभी ये जो इधर पॉइंट कर रहा हूँ, ये देखो ये बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ये स्कूल में जा रहे हैं, इसका मतलब हमें भी स्कूल में जाना चाहिए। ये अच्छा संदेश हमें इस चित्र से मिलता है, इस पिक्चर से मिलता है। देखो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ये क्यों दिया है कि आप लोग भी एवरीडे स्कूल में जाना चाहिए, इसके लिए ये चित्र आपको दिया है। हमें हर एक चित्र से हर एक लेसन से हर एक कविता से अच्छा मैसेज लेना है और हमारे जीवन में उसको परिवर्तित करना है, हमारा बिहेवियर अच्छा बनाना है। उसके लिए जो भी अच्छे मैसेजेस हमारे टेक्स्ट बुक में होते हैं चित्रों में होते हैं वो मैसेजेस हमें लेना है। देखो इधर एक लेडी और एक स्त्री और एक पुरुष यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक आदमी दिख रहा है और देखो ये कुछ उनके सर पे ले रहे हैं, यानी वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। दे आर बिजी इन देयर जॉब, उनके काम में कैसे बिजी है उनका वो काम कर रहे हैं। और उसमें से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारा काम करना चाहिए, हमें एवरीडे जूम मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए। हमारा काम यही है कि एवरीडे स्कूल जाना चाहिए, एवरीडे जूम मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए, अगर ये हमारा काम है और अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहिए। यही हमारा काम है, तुम्हारा काम है, क्योंकि वी आर द वेरी स्मॉल, वी आर लर्निंग इन 5th स्टैंडर्ड, क्योंकि हम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। बट वी कैन आइडेंटिफाई, हम समझ से सकते हैं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए बच्चों ये जो देखो जो भी चित्र होते हैं तुम्हारे बुक में वो बुक्स में जो अच्छे चित्र है वो चित्र तुम्हें केयरफुली ऑब्जर्व करना है और उन चित्रों में जो भी अच्छा मैसेज मिलता है वो तुम्हें उसका क्या करना है, उसी के साथ बिहेव करना है और हमारा बिहेवियर अच्छा बनाना है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको टाइम इसलिए दे रहा हूँ बच्चों क्योंकि तुम्हें ये तुम्हारे जो हमारे बेसलाइन के कुछ पेपर्स हुए थे इसके पहले, तो उसमें ऐसे पिक्चर्स रहते थे और उसके बारे में 10 लाइन्स लिखो, हमें स्टोरी बनाओ है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस रहते थे और वो आपको लिखने को आना चाहिए, पिक्चर के बारे में आपको बताने को आना चाहिए, पिक्चर रीड करने को आना चाहिए, यानी आप ऑलराउंड बन सकोगे, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। इसके लिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे घड़ी दिख रही है, इस घड़ी से हमें मैसेज मिलता है। जिस तरह से जो भी घड़ी में जो ये है, देखो घड़ी दिख रही है, घड़ी ये 24 आवर्स जो आर्म से घड़ी में जो भी वो कांटे आपको दिख रहे हैं, देखो 3 कांटे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये अभी घूमते रहते हैं, फिर है कि नहीं 24 आवर्स वो घूमते रहते हैं। उसी तरह से हमें 24 आवर्स हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। 24 आवर्स तो नहीं कर सकते, इसे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है नहीं, बट हमें पढ़ाई करना है, बिजी रखना है, उसको बिजी रखना है, अच्छी अच्छी बातें सीखना। तो बच्चों देखो, हम आज की जो हमारी कविता का नाम जीवन है, इस कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ना चाहता है, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे कोई पढ़ेगा तो रेज हैंड करना है बच्चों, अगर आपको पढ़ना है तो। हेलो, रेज हैंड करके पढ़ना है। जीवन है चलने का नाम, कहना कभी नहीं विश्राम, घड़ी सदा टिक टिक कहती, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नींद ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। देखो वेरी वेरी नाइस बेटा। देखो अभी हम हमारी जो कविता है, कविता का नाम ही जो हमारा शीर्षक है, टाइटल है वेरी नाइस, जीवन, हमारे जीवन के बारे में बहुत अच्छा बताया है। और ये जो कविता है, ये कविता, इस कविता के जो कवि है, जो कविता लिखते हैं उनको कवि कहते हैं, उनका नाम है कुलभूषण लाल मखीजा। इन्होंने कविता लिखी है और उन्होंने, उनके विचार कितने अच्छे होंगे, उनके विचारों का हमें आदर्श लेना है, उन विचारों को, उनके विचारों के साथ चलना है। क्योंकि बच्चों देखो कविता पढ़ते हैं तो उसकी कवि का नाम, उस पोएट का नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो अभी मैं एक बार पढ़ूंगा और आप कविता का स्पष्टीकरण आपको मैं दूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनोगे बच्चों तो आपको एक एक शब्द का, एक एक लफ्ज का जो भी मीनिंग है, जो भी अर्थ है, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। इसके लिए दिल लगाकर, घड़ी के जैसा आपको ऐसा दिल लगाना है, घड़ी में जो कांटे होते हैं वैसे घूमते रहते हैं, उसी तरह तुम्हें तुम्हारा दिल इधर उधर घूमने नहीं देना है। पूरा कंसंट्रेशन, सर क्या कहते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, सब एक एक बातों पे आपको लक्ष्य केंद्रित करना है, आपका अटेंशन रखना है, अटेंशन पे करना है। ओके, अभी मैं जो कविता है हमारी, इसका स्पष्टीकरण आपको दूंगा, ध्यान से सुनिए। जीवन है चलने का नाम, देखो मैं इधर पढ़ रहा हूँ। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नींद ऊपर उठाना, कन कन में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। ठीक है ना, कितने अच्छे पोएम है, जिन्होंने भी लिखा है बहुत अच्छे लिखी है। देखो जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। देखो इधर पिक्चर में आपको दिख रहा है, बच्चे चल रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, दिख रहा है इधर पिक्चर में, देखो ये काम चल रहे है, यानी कुछ ना कुछ करना है, यानी चलना, यानी आपको चलना नहीं है, चलना इसका मीनिंग है आपको कुछ ना कुछ काम करना है। अगर आप कुछ ना कुछ काम करोगे तो आपका जीवन चल रहा है, आप बैठे नहीं हो, आप आलसी नहीं हो, आप लेजी नहीं हो। इसके लिए आपको जीवन में क्या करना है, चल रहना है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है। लेकिन जिस तरह आंट्स की जो रो होती है, आंट्स पता है ना, मूंगियों की जो रो होती है, वो चलते रहते हैं 24 आवर्स, उनको बताने की जरूरत नहीं है। एक रो में चलो, हम लोगों तो ऐसे सर चिल्लाते हैं, हमारे टीचर चिल्लाते हैं रो में चलो, रो में चलो। बट हमें खुद से समझना चाहिए कि रो में क्यों चलो, क्या क्यों कहते हैं, इसमें से अच्छी सी कौन सी बात हमें सीखने को मिलती है। कोई गिरेगा नहीं रो में चलेंगे तो, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, किसी को धक्का लगेगा नहीं। इसके लिए टीचर्स हमारे अच्छाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। इधर देखो, जीवन चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। देखो ये बच्चे बेचारे स्कूल में जा रहे, यानी वो चल रहे यानी आपको चलना नहीं है, कुछ ना कुछ काम करना है। घर में बैठे हो, आपको पढ़ाई का कंटाल आ रहा है तो मत पढ़ो, लिखो। लिखने को अच्छा नहीं लग रहा है तो ड्राइंग करो। मैंने यस्टरडे भी आपको मराठी में बताया था कि आपको जिस बात का अगर कंटाला आता है, बोरिंग होता है, तो आप उस विषय को, उस टॉपिक को चेंज करो। आपको हिंदी पसंद नहीं तो मराठी पढ़ो, आपको मराठी पसंद नहीं मैथ्स पढ़ो, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं ड्राइंग करो, ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं तो गाना गाओ। कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करना है, खाली बैठना नहीं है। क्योंकि वी आर द, हम क्या है, अच्छे इंसान है, अच्छे स्टूडेंट्स है, और हमारा जीवन हमें अच्छा बनाना है। अंडरस्टूड। अभी आगे देखो बेटो, सॉरी आगे देखो बच्चों, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नीत ऊपर उठना, कन कन में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती ना। देखो घड़ी को देखो, घड़ी में जो कांटे होते हैं वो 24 आवर्स वो घूमते रहते हैं, वो है कि नहीं। वो उस घड़ी से हमें मैसेज लेना है। मैंने पहले भी आपको जो पिक्चर्स का एक्सप्लेन किया, पिक्चर के बारे में जो एक्सप्लेन किया, उसी तरह से पिक्चर से भी, जो पिक्चर्स होते हैं उनसे भी हमें बहुत अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। बट हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल कैसा है, हम किस तरह से उस पिक्चर को देखते हैं। कुछ बच्चे पिक्चर को एंजॉय, टेक्स्ट बुक में जो भी पिक्चर्स होते हैं ऐसे देखते रहते हैं खाली एंजॉयमेंट के लिए। उससे, उस पिक्चर में से क्या मैसेज मिलता है, क्या अच्छा मैसेज है, ये कोई भी नहीं देखता है। इसलिए जो भी पिक्चर्स है वो पिक्चर को आज से अच्छी आदत में डालना है। पिक्चर से भी आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलते हैं, और वो अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें हमारे बिहेवियर में क्या करना है, और डालना है, उतराना है, उसके साथ बिहेवियर करना है, अच्छे विचारों के साथ बिहेव करना है। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी की तरह, घड़ी की कांटों की तरह हमें हमारा कुछ ना कुछ काम करना है। वो जिस तरह से नहीं रुकती है उसी तरह से हमें रुकना नहीं है। बच्चों तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें बहुत बड़ा काम नहीं करना है, तुम्हें 24 आवर्स काम नहीं करना है, 24 आवर्स तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हें वो इन डे, एक दिन में आपको 3-4 आवर्स जो जूम क्लासेस आपके टीचर्स लेते हैं, वही आपको अच्छे से दिल लगाकर ज्वाइन करना है। अच्छे से आपका जो भी स्वाध्याय है, जो भी होमवर्क है, वो अच्छे से कंप्लीट करना है। बस यही आपका काम है, और माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, बड़ों को सम्मान देना है, छोटों को प्यार देना है, यही आपको करना है। बाकी आपका 24 आवर्स नहीं बिजी रहेगी चलेगा, बट जो जो अच्छी बातें हैं वो आपको आपके लाइफ में उतराना है, आपका जीवन अच्छा बनाना है। और आपका जीवन की जो गुणवत्ता है आपके विचारों पे निर्भर होती है। विचार अच्छे तब बनते हैं जब हम अच्छे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे सीखेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे पिक्चर्स यानी चित्र, टेक्स्ट बुक में की जो भी पिक्चर्स है उसे जो भी अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें मिलते हैं, जो भी मार्क्स मिलते हैं वो पढ़ेंगे, तब हमारा लाइफ बहुत अच्छा जरूर बनेगा। देखो आगे देखो बच्चों, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नीत ऊपर उठना, कन कन में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। देखो बच्चों झुकना, कोई लोग बोलते मैं स्वामी नहीं बोलूंगा, बहुत घमंड रहता है। किसी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, सॉरी नहीं बोलता है, अपने खुद के फ्रेंड्स को भी सॉरी नहीं बोलता है। बट जहाँ पे हमारी बच्चों गलती होती है, जहाँ पे हम कुछ गलत करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, उस समय हमें सॉरी बोलना ही चाहिए, प्रणाम करना ही चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना ही चाहिए। गलत अगर हम करते हैं तो सॉरी बोलना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपनी गलतियों को समझते हैं वो लोग बहुत बड़े होते हैं। और जो गलतियां करते हैं वही लोग बड़े होते हैं। इसलिए गलती किया आपने तो टेंशन लेने की जरूरत है, बहुत बड़े इंसान होने वाले हो। इसी तरह से देखो घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नीत ऊपर उठना। देखो सूरज को देखो कितनी रोशनी देता है हमें, और रोशनी देता है इससे हमें एक मैसेज में, रोशनी को हम अगर अच्छी लैंग्वेज में करेंगे, रोशनी यानी हमें ज्ञान। और जिस तरह से सूरज हमें रोशनी देता है उस तरह से सूरज की जैसा हमें लोगों को हमारे अच्छे विचारों से प्रेरित करना है, अच्छे विचार देना है, छोटों को अच्छे विचार देना है, छोटों को प्यार देना है, अच्छे से हमारा जीवन जैसा फूल की तरह सुगंधित करना है। जिस तरह फूल को देखो, गुलाब का फूल देखो, उसको ऐसा दिल चाहता है कि इसे कब मैं चूम लूं, इसे कब मैं टच करूं। उसी तरह से लोगों को लगना चाहिए कि हमारा जीवन इस तरह से बनना चाहिए, और सुगंधित बनना चाहिए। और ये सुगंधित उसी समय बनेगा जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं रहेंगे। हमारे अगर विचार अच्छे रहेंगे तो हमारा जीवन फूल की तरह सुगंधित बनेगा, समाज में हमारा नाम बढ़ेगा। इसलिए हमारा जीवन हमें फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह सुगंधित बनाना है। कन कन में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। कन कन, कन कन यानी जैसे हमने आइटम, इंग्लिश में हम देखो छोटी बात, एकदम छोटी छोटी बात, उसको कन कन कहते हैं। जो ब्लैक बोर्ड पे जब तुम्हारे टीचर्स लिखते हैं और उसको रब करते हैं, उसमें से जो डस्ट निकलता है बहुत बारीक होता है, वो छोटा होता है, उसको कन कन कहते हैं। यानी एक छोटी छोटी बात में, कन में अपनत्व देकर, छोटी छोटी बातों में आपको, तुम्हें क्या देखना है, सब अपने ही है, सब लोग क्या है, अपने ही, कोई भी पराया नहीं है। कि हम लोग सोचते हैं कि मेरे घर वाले मेरे अपने होते हैं, कोई नहीं होता है, सब अपने होते हैं, सब अपने होते हैं। लेकिन हमारी सोच अपने की जैसी होना चाहिए। छोटी छोटी बात में हमें अपनापन दिखना चाहिए, अच्छी बातें हमें समझना चाहिए, अच्छापन हमें दिखना चाहिए। देखो कन कन में अपनत्व देखकर, कन कन में हमें अपनत्व देखना है। सब अपने ही है, सब अच्छे ही लोग हैं, किसी के बारे में हमें गलत नहीं सोचना। हम अच्छे होते हैं तो दुनिया ही भी अच्छी होती है। इसके लिए हमें कन कन में अपनत्व देखना है, अपनापन देखना है। और सबको दिल से करो प्रणाम। हमें सबको क्या करना है, दिल से प्रणाम करना है। अगर हम दिल से प्रणाम करेंगे, झुकेंगे, सॉरी बोलोगे तो तुम्हारा ही जो बड़प्पन है वो बढ़ेगा, तुम्हारी खुद की गुणवत्ता बढ़ेगी, तुम्हारे विचार अच्छे होंगे। अगर तुम्हारे विचार बढ़ेंगे, तुम्हारे विचार अच्छे रहेंगे तो आपकी जीवन की जो गुणवत्ता है वो बहुत बढ़ेगी, वो फूल की तरह सुगंधित होगी। लोगों को लगेगा फूल की तरह आपका जो भी जीवन है वो बनेगा। इसके लिए कन कन में हमें अपनत्व देखना है, सूरज सा नीत ऊपर उठाना है, और सबको दिल से प्रणाम करना है। क्योंकि प्रणाम करना अच्छी बात है, हम करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, अगर मम्मी पापा का दर्शन लेते हैं उनको प्रणाम। और प्रणाम करना ही चाहिए, बड़ों को तो प्रणाम करना है और छोटों को प्यार देना चाहिए। अगर इस तरह से आप जीवन जी लेंगे तो आपका जीवन फूल की तरह सुगंधित होगा, आपका जीवन सार्थक होगा। इसके लिए आपको आपकी जो विचार है वो आपको प्रबल बनाना है, अच्छे बनाना है। और विचार अच्छे तब बनते हैं जब हम अच्छे मैसेजेस, अच्छी सीख, अच्छे संदेश हमारे जीवन में डालते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं। और ये अच्छे विचार स्कूल में हमें पढ़ने को मिलते हैं। इसके लिए हमें बच्चों स्कूल में एवरीडे जाना चाहिए, जूम क्लासेस अटेंड करना चाहिए, और जो भी स्कूल में सिखाई हुई बातें रहती है वो बहुत अच्छी होती है। बच्चों सवाल है, उस सवालों का जवाब आपको अभी देना है। सर आपको अनम्यूट करेंगे, एक एक से देना है, अंडरस्टूड? सवाल इजी रहेंगे। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। हमें जीवन में कभी क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, रुकना नहीं चाहिए, वेरी गुड बेटा। टिक टिक कौन करता है, घड़ी, घड़ी, वेरी गुड। किस तरह से हमें ऊपर उठना है, किस तरह से हमें ऊपर, सूरज, वेरी गुड। अपनत्व किस चीज में, वेरी गुड। अपनत्व हमें किस चीज में देखना है? अपनत्व हमें किस चीज में देखना चाहिए? कण कण में अपनत्व देख रहा है, हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। कण कण में छोटी छोटी बातों में हमें अपनत्व देखना चाहिए। तो किस चीज में हमें अपनत्व देखना चाहिए? कण कण में। वेरी गुड, कण कण। और किन लोग? ओके, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, लहराना सागर से सीखो आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसी, मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। देखो बच्चों, एक और एक बार पढ़ता हूँ, लहराना सागर से सीखो आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बनो, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम, जो आगे बढ़ता, मेहनत कर पदनाम। देखो कितने अच्छे विचार, बहुत सुंदर, कितने अच्छी कविता इन्होंने लिखा है। देखो ना, लहराना सागर से सीखो, अगर हमें लहराना, लहराना है ना सागर के जैसे, हम लहरा हमने इस तरह से लहरा रहा है। अगर हमारे विचारेंगे, हम लोगों को अच्छा कुछ बताएंगे, लोगों को अच्छा कुछ सिखाएंगे, लोगों को अच्छा ज्ञान देंगे, उस तरह से हमारे विचारों के साथ हमें लहराना है, सागर जैसा लहराना है। और तुम लहराओगे तब, जब आपके विचार बढ़ेंगे, जब आप संदेश लोगे, तब आप सागर के जैसे लहराओगे। देखो, लहराना सागर से सीखो, अगर लहराना है तो हमें सागर से सीखना चाहिए। आसमान से हृदय विशाल, हमारा जो हृदय है वो आसमान से, आसमान जैसा होना चाहिए। देखो बच्चों, कितनी अच्छी कविता लिखी है। हमारे ऊपर आसमान है, स्काई है, और उसके अंदर हम सब लोग रहते हैं, है कि नहीं? वो हमारे ऊपर है। हमारे घर का जो रूफ होता है, वो रूप की तरह आसमान है, वो हमें संभालता है। वो भी एक हमारा सबसे विशाल हृदय, विशाल घर है, हाउस है, और उसके अंदर हम रहते हैं। ऐसा नहीं समझना कि जो भी हमारा हाउस है, जो भी हमारा बंगलो है, जो भी हमारी बिल्डिंग है, वो सब आसमान के नीचे है। जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा नेचर है, सब ऑल आर आसमान के अंदर है कि नहीं? सब कुछ बातें आसमान के अंदर है, और हमारे घर के जैसा है। और उसी तरह से हमारा हृदय विशाल बनाना है। हृदय में अच्छी सब बातें हमें रखना है, बुरी बातों को संभालना है, गुस्सा नहीं करना है, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। आसमान सा हृदय विशाल, हमारे हृदय में प्यार होना चाहिए। कोई इंसान के चाहे कितना भी गलत हो, उसको हमें समझना चाहिए, ठीक है? आज गलती करेगा, उसको उसकी गलती का एहसास करके देना चाहिए। और हमारा विषय, हमारा जो हृदय है, विशाल सा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। जो भी अच्छी बुरे पे है, हम समझना चाहिए कि नहीं। अगर हमारा फ्रेंड बुरा है, वो पढ़ाई नहीं करता है, उसको बताना है, तो उसकी बुरी जो बातें होती है, उसको वो भी बताना चाहिए कि ये बातें अच्छी है, बुरी है, इससे फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसके लिए हमारा हृदय विशाल होना चाहिए, आसमान की तरफ। सहनशील बन धरती जैसे, देखो धरती में क्या नहीं होता बच्चों, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, कितना प्रदूषण, कितना बोझ धरती पे है। तुम्हारे सर पे बोझ रखोगे? नहीं रखोगे। तुम्हारे सर पे अगर एक गोनी भी रख दिया, है तो आप नहीं, एक थोड़ा भी, 1 किलो अगर 1 kg अगर वेट आपके सर पे रखा, तो आप संभाल नहीं पाओगे। बोलोगे अरे बहुत भारी है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। इसके लिए धरती कितनी सहनशील है, धरती पे कितना बोझ है कि नहीं? सब नेचर, पेड़, एनिमल्स, हाउसेस, सब कुछ धरती पे है। और धरती हमें कभी कुछ नहीं बोलती है। बोलती है क्या धरती कभी, मेरे ऊपर इतना बोझ हो रहा है, अभी मैं ये सहन नहीं करूंगी, इसको सहन नहीं पाऊंगी, ऐसी कभी बोलती है कि धरती? नहीं बोलती है। उसी तरह से हमें धरती की तरह सहनशील बनना है। अगर कोई कितना भी हमें ये करे, तकलीफ दे, तो हमें उसको सह लेना चाहिए, बट उसको सही लेने चाहिए, बट उसको उसकी गलती का एहसास करके देना चाहिए। इसलिए लहराना हमें सागर की तरह लहराना चाहिए, आसमान की तरह हमारा हृदय होना चाहिए, और धरती जैसे हमें सहनशील होना चाहिए। मिलजुल करते जाना काम। और काम हमें अकेले को नहीं करना है, सबको साथ लेके हमें करना चाहिए। जो भी अच्छा काम है, बुरा काम हम बच्चे करते नहीं है और करना भी नहीं है। जो अच्छा काम है वही हमें करना है और सब मिलजुल के करना है। घर में अगर खाना खाते हो तो सब मिलजुल के खाओ। कुछ अच्छी बात घर में खरीदना है तो सबकी सोच के साथ करो, खरीदो। सबकी सोच उसमें होनी चाहिए, सबको सम्मान दो, है कि नहीं। छोटे को पूछो व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड, उनको पूछो, आपको जरूर बताएंगे। यानी आपको सब मिलजुल के कोई भी काम करना चाहिए, मिलजुल के करते जाना काम, है कि नहीं। कभी कभी हमें क्लास में एग्जाम्पल कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो हमें बच्चों हमें मिलजुल के उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है और मिलजुल रहना है, भाई भाई के जैसा रहना है कि नहीं। सबको हमारे भाई और सबको हमारी बहन के जैसा, माता के जैसा हमें समझना चाहिए। तो हमें जो सृष्टि है, जो धरती है, इस धरती पे जो भी रहने वाले लोग हैं वो सब हमें हमारे फैमिली की तरह हमें लगेंगे। इसलिए जो भी लेडी है, जो भी गर्ल है, वो हमारे बहन की तरह है। जो भी लोग है वो हमारे भाई की तरह है, हमारे माँ की तरह है। और जो लेडीज है वो हमारे माँ की तरह है, ठीक है। सब लोग हमारे माँ बाप की तरह हमें है, हमारे भाई भाई की तरह है, भाई बहन की तरह है। ऐसे हमें समझना चाहिए। तो हमें सब सृष्टि हमें हमारी फैमिली की तरह लगेगी, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। जो चलता हो आगे बढ़ता, जो चलता बढ़ता, मेहनत कर पाता बदनाम। जो चलता है, चलते नहीं रहना है, कुछ ना कुछ रहना है, कुछ ना कुछ करना है। जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है, जो अच्छी बातें सीखता है, जो अच्छे संदेश सीखता है, वो कुछ ना कुछ जीवन में कर पाता है, वही बढ़ता है, है कि नहीं। जैसे हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, उसी तरह जो चलेंगे वो भी बढ़ेंगे। हमें चलते रहना है, हमें पढ़ते रहना है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, अच्छी बातें सीखना है, अच्छी बातें हमारे बिहेवियर के अंदर डालना है। उसी के साथ अच्छी बातों के साथ, अच्छी विचारों के साथ हमारा जीवन हमें जीना है। जो चलता वो आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता परिणाम। देखो बच्चों, कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नसीब से मिलता, नसीब से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है नहीं, करना है। अगर आप लोग मेहनत करते हो तो आपको जरूर अच्छा पद नाम मिलेगा, अच्छा नाम आपका होगा। इसके लिए मेहनत करना है बच्चों। नहीं तो सोचेंगे कि मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, है कि नहीं, मेरा कोई ना कुछ बीच में आएगा। अगर देखो फॉर एग्जांपल आपको टैली करना है तो ट्राई करके देखो, एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं लिया तो नहीं चलेगा, है कि नहीं। जैसे अनुभव पढ़े हम, अनुभव एक, अनुभव दो, अनुभव लेना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। देखो आपकी एग्जाम है 15 डेज के बाद, आप कुछ मत पढ़ो, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? नहीं, आप सोचेंगे कि नहीं मेरा अल्लाह बीच में आएगा, मेरा भगवान मुझे मदद करेगा। कोई कोई किसी को कुछ मदद नहीं करता है। तो क्या करना चाहिए, मेहनत करेंगे। अगर वही आप पढ़ेंगे 15 डेज तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं नसीब से सब कुछ मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं जिसका नसीब अच्छा है उसको बहुत देते हैं भगवान, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। तो मेहनत करता है वही बड़ा होता है। देखो अंबानी, उन लोगों ने भी काम किया है। और देखो आप सबको काम को लगाते हैं, यानी उन लोगों ने मेहनत की है, अच्छे विचार रखे हैं। उसी तरह से हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अगर मेहनत करेंगे तो हम जरूर बढ़ेंगे। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। किस तरह हमें लहराना चाहिए, किसके जैसा हमें लहराना चाहिए। हेलो हेलो बच्चों, हमें लहराना किस तरह चाहिए, किसके जैसा लहराना चाहिए। हाँ बोलिए, हमें लहरा गलत हुआ, सागर जैसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। हमारा हृदय कैसे बना चाहिए, हमारा हृदय कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमारा हृदय कैसे रहना चाहिए। हमारा हृदय आसमान सा विशाल होना चाहिए, आसमान जैसे विशाल होना चाहिए। हमें ओके, धरती कैसी है, धरती कैसी है, सहनशील है। हमें सहनशील किसकी तरह बनना चाहिए? हमें सहनशील किसकी तरह बनना चाहिए? ओके हमें वेरी गुड, हमें सहनशील धरती जैसे बनना चाहिए। जैसे धरती सहनशील है उसी तरह हमें सहनशील बनना है। और हमें काम कैसे करना चाहिए? हमें काम कैसे करना चाहिए बच्चों? हमें काम कैसे करना चाहिए? हमें काम मिलजुल कर चाहिए। मिलजुल कर हमें काम करना चाहिए। और जब हमारा नाम बड़ा होता है वो किस चीज से हमारा नाम बड़ा होता है? मेहनत से। किस चीज से? मेहनत से। अगर मेहनत करेंगे तो हमारा नाम बड़ा होगा। मेहनत से। वेरी गुड बच्चों, आगे देखेंगे। देखो हमारा यहाँ पे देखो आपको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इन्होंने हमारी कविता लिखी है। जो हमारे कविता के कवि है उनका नाम क्या है? डॉक्टर कुलभूषण लाल मकीजा। डॉक्टर कुलभूषण लाल मकीजा, आपको बाय हार्ट करके लेना है कि नहीं? इसको आपको बाय हार्ट करना है। ये जो कविता लिखी है कविता बहुत अच्छी है, आपके फ्यूचर में भी ये काम आएगी। जब भी आप कुछ ऐसे लिखते हो बच्चों क्या करना है आपको? कविता यूट्यूब पे बहुत सारे कविता के ऑडियोज है, वो एक प्रॉपर ट्यून में है, वो ऑडियोज आपको सुनना है लेक्चर होने के बाद। अंडरस्टूड? और अगर वो सुनोगे वो क्योंकि एक सॉन्ग की तरह होते हैं और अगर सॉन्ग सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय हार्ट हो जाता है। उसी तरह से आपको वो ऑडियो सुनना है, बाय हार्ट करना है। ओके ओके बच्चों, अभी बीच में नहीं बोलना है। मैं जब सवाल आपको पूछूंगा तब आपको आंसर देना है, अभी नहीं बोलना है। क्योंकि हम हमारा जो लास्ट तांजा है पोएम का, इस कविता का, वो लास्ट तांजा हम पढ़ने वाले हैं और इसमें बहुत अच्छे मैसेजेस हमें मिलने वाले हैं। वो सब अच्छे मैसेजेस हमें केयरफुली ध्यान से सुनना है। और बाद में एक बार और मैं पूरा सारांश आपको कविता का बताऊंगा, फिर हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, उसके जवाब आपको देना है। ये जो कविता है, और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कविता डॉक्टर कुलभूषण लाल मकीजा, इन्होंने कविता लिखी है। अभी देखो बच्चों, अभी आपको किसी को भी कुछ बीच में बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि इस अभी लास्ट तांजा हमारा इस कविता का है और ये ध्यान से सुनना है। इसमें बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे संदेश मिलने वाले हैं। और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो कविता डॉक्टर कुलभूषण लाल मकीजा इन्होंने लिखी है, आपको बाय हार्ट करके रखना है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार, जीवे चलने का नाम करना कभी नहीं विश्राम। देखो माँ जैसी हो मीठी बोली, माँ कैसी होती है पता है? हमारे जो फर्स्ट टीचर होती है वो हमारी माँ है। माँ जैसा इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं यही बताऊंगा, मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरी माँ है। माँ से बड़ा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। आपको भी वो रखना है क्योंकि आपकी माँ की वजह से आप हो, है कि नहीं? हमारी माँ भगवान की तरह है, देवी की तरह है कि नहीं? इसलिए उनकी हर एक बात का हमें आज्ञा का पालन करना है, उनको मदद करना है। कल ही सीखे मराठी में, माँ को उनके कामों में मदद करना है। और उनकी बोली देखो, कुछ भी आप अच्छा बुरा आपको लगता है, कोई आपको टीच करता है, कोई अभिशेष देता है, तो आप पहले मम्मी को बताते हो। और जब भी हम रोते हैं, जिस दिन भी हमें दुख होता है, उस दिन हमें माँ का नाम आता है हमारे मुंह में से, मम्मी, आई, माँ, है कि नहीं? भगवान का नहीं है, पहले हमारी माँ का नाम आता है। इसके लिए हमारी माँ सबसे बड़ी है, भगवान से भी बड़ी हमारी माँ है। इसलिए माँ की हर एक बात का, हर एक विचार का हमें पालन करना है, आज्ञा का पालन करना है, उनको मदद करना है। वही हमारे भगवान है, क्योंकि वही हमारे फर्स्ट टीचर है। हमारे स्कूल टीचर, 100 स्कूल टीचर से भी बड़ी माँ है। जितने 100 स्कूल टीचर है, 100 ने, मैं तो 1000 कहता हूँ, 1000 टीचरों की सोचो, उनसे भी बड़ी हमारी माँ है। यानी हमारी माँ भगवान की तरह है, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करना है, उनके चरण स्पर्श करना है कि नहीं। देखो माँ जैसी हो मीठी बोली, हमारी बोली माँ जैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। किसी का दिल हमारे बोलने से दुखाना नहीं चाहिए, हमें दुखाना नहीं चाहिए। हमारा जो बोलना, हमारा जो टॉकिंग है, दैट शुड बी स्वीट, वो अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। वो मीठा होना चाहिए। हम जब बोलते हैं वो हमारी बोली जो है वो माँ जैसी मीठी होनी चाहिए। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, हमारे मन में विचार भी अच्छे होने चाहिए। नहीं तो कुछ लोग कैसे करते हैं बच्चों, पता है, बहुत मीठे मीठे बोलते हैं लेकिन उनके दिल में कुछ अलग सा चलता है। दिखने में तो बहुत गोरे होते हैं लेकिन विचारों से बहुत काले होते हैं। बट हमें विचारों से गोरा रहना है, विचारों से हमें अच्छा रहना है, ठीक है ना। जो सच है वो सच बताना ही चाहिए, जो गलत है वो गलत भी बताना ही चाहिए, क्योंकि हम हमारे विचारों से बड़े होने वाले हैं। हमारे विचारों से हमारा जीवन फूल की तरह सुगंधित होने वाला है। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत ही है, बट हमें मीठा मीठा बोलकर किसी को फंसाना नहीं है। जो सच है सच, बट हमारी जो सोच है, हमारी जो बोल है वो मीठे होना चाहिए। इतने भी मीठे नहीं कि दूसरे लोग हमारे विचारों से फंस सके, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें सबको ऊपर उठाना है। मीठा मीठा बोलना तो चाहिए, मीठा अगर वो सच रहेगा तो ही मीठा बोलो, अगर आपको गलत लगता है तो गलत ही बोलो। मीठा माँ जैसी हमारी जो भी है वो माँ जैसी मीठी होनी चाहिए। कब होनी चाहिए मैंने आपको बताया है। जो सच है तो सच है, जो झूठ है तो झूठ है, और उनको बताना चाहिए। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, हमारे विचार, मैंने बोला है हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। हम चाहे काले हो या गोरे हो, बट हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। हमारे विचार हो गए, हमारे हृदय में सबके प्रति प्यार होना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ लोग गुस्सा करते हैं बट उनके विचार भी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमारे जो विचार है बच्चों वो अच्छे होने चाहिए। हमारी बोली मम्मी की तरह मीठी, हमारी माँ की तरह मीठी होनी चाहिए, और हमारे मन में अच्छे विचार हमें रखना है। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार, ठीक है। सब दुनिया हमारी, मैंने बोला है सब दुनिया हमारी है, मेरी परिवार की तरह है, ठीक है ना। जैसे आपकी फैमिली है उस फैमिली की तरह ये दुनिया है, ठीक है ना। और सेवा का कर लो सुविचार, जैसे हम हैं वैसे लोग हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे लोग सोचते हैं। हम गलती करते हैं तो लोग गलती करते हैं, हम अगर गलती नहीं करेंगे तो लोग गलती नहीं करते हैं, ठीक है। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? कभी कभी हम गलती नहीं करते तो भी लोग हमारे साथ झगड़ा करते, हमारे फ्रेंड झगड़ा करके जाते। नहीं, गांधी जी की तरह हमें बनना है, बट जहाँ पे गलत होता है वहां पे हमें वो गलत उनको बताना ही चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। सब हमारी तरह है, सबको हमारी तरह हमें जानना चाहिए, सबको हमारी तरह समझना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, छोटे सबको प्यार देना चाहिए, और हमारी बोली मीठी होनी चाहिए, माँ जैसी मीठी। मीठी यानी खाली माँ जैसी, माँ कभी झूठ नहीं बोलती है, क्योंकि हम कुछ माँ के पास ही जाते हैं, है कि नहीं। और बच्चों को माँ कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी माँ ने किसी एनिमल्स को देखो, वो माँ के पास, बंदर का बच्चा देखो वो कितना प्यार करते हैं, यानी हमारी जो मम्मी है उनके अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। और हमारी माँ कभी वो मीठी बोलती है लेकिन झूठ नहीं बोलती है। कुछ लोग मीठे बोलते हैं लेकिन बहुत झूठ बोलते हैं। हमारी बोली माँ की तरह होनी चाहिए, मीठे लोगों की तरह नहीं, माँ की मीठी बोली की तरह, माँ की बोली की तरह हमारी बोली होनी चाहिए। हमारा बोलना होना चाहिए, हमारा टॉकिंग होना चाहिए माँ की, मैं माँ की तरह बोल रहा हूँ, लोगों की तरह नहीं है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं बहुत मीठे मीठे बोलते हैं और पीछे कुछ अलग सा कर जाते हैं। इस तरह हमें माँ की मीठी बोली की तरह माँ की सीखना है, माँ की बोली की तरह, हमारी खाली माँ की तरह। सेवा का कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। क्योंकि हमें हमारे जीवन में, हमारे जीवन का अर्थ ही वो है क्योंकि हमें एक दूसरों की सेवा करना चाहिए। जो नीडफुल पर्सन होते, सॉरी जो नीडफुल पर्सन होते उनको हमें हेल्प करना चाहिए। तुम्हारे क्लास में किसी को कोई पेन भूल जाता है, कोई पेंसिल भूल जाता है कि नहीं, तो उसको मदद करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म है, वो हमें बड़े होने के बाद करना है, भगवान की तरह उनको संभालना है। और बच्चों देखो, और एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो कविता है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा इन्होंने लिखा है, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट्स का ही टाइम होता है। इसके लिए मैं अभी यहाँ पे ये करता हूँ, थोड़ा स्टॉप करता हूँ क्योंकि हमारी पोएम यहाँ पे हो चुकी है और ये कविता कुलभूषण लाल मखीजा इन्होंने लिखी है। देखो हमारा टाइम हो चुका है, थोड़ा इसके लिए मैं अभी ये कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है बच्चों, शब्दार्थ। मैंने आराम, विश्राम, मैंने आराम, विश्राम मीन्स आराम, विश्राम का जो अर्थ होता है वो आराम, क्या होता है विश्राम मीन्स आराम। मैं पूछने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, विश्राम मीन्स आराम। अपनत्व यानी अपनापन, अपनत्व यानी अपनापन। बच्चों अपनत्व यानी अपनापन, जैसे हम मम्मी को हम अपना समझते हैं, हमारी मम्मी हमको अपना समझती है, हमें सब दुनिया को अपना समझना चाहिए। सब दुनिया के बारे में हमारा क्या हो, अपनीपन की सोच होनी चाहिए। विश्राम, विश्राम यानी आराम, हमें कभी जीवन में रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते बैठना है। देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। सदा देखो बच्चों, आपको अभी बोलना है, आपको अभी मैं इस क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। अभी आपका समय आया है, अभी तक मैं अकेले ही बोलता रहा, अभी आपको मेरे साथ बातचीत करना है यानी संभाषण है। सदा टिक टिक क्या करती है, यदि इधर देखो, सदा टिक टिक क्या करती है? हेलो हेलो बच्चों, हेलो, सदा टिक टिक क्या करती है? हेलो भावेश सर, आवाज येतो का? हेलो सर, घड़ी, घड़ी। हाँ बच्चों आंसर देना है, आंसर इसके लेट ने फटाफट आंसर देना है। सो खुद को अनम्यूट करना है और फटाफट आंसर देना है, क्योंकि वी हैव ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी नहीं, 2 और 3 मिनट्स। सो फटाफट आपको आंसर देना है। कौन सा नीत ऊपर उठाना है, कौन सा नीत ऊपर उठाना है? वेरी गुड, सूरज का नीत ऊपर उठना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। लहराना किससे सीखना है? लहराना किससे सीखना है? सागर, सागर। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, सागर जैसा लहराना सागर से सीखना है। ये देखो अभी 4th क्वेश्चन, किसके जैसी मीठी बोली है, बोली होनी चाहिए? किसके जैसी बोली मीठी होनी चाहिए? माँ। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अभी देखो हम, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बच्चों अभी हमारा जो स्वाध्याय होमवर्क है वो आपको देखना है, हमारा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है और ये होमवर्क कंप्लीट करके आपको ग्रुप पे डालना है, स्कूल ग्रुप पे डालना है, क्लास के ग्रुप पे डालना है। पढ़ना नहीं है, खाली सुनना है। अभी जल ही जीवन है, इस पर 5 पंक्तियां लिखो। जल, जल ये जीवन है, जल यानी पानी, जल यानी पानी ही जीवन है, इस पे आपको क्या करना है, 5 पंक्तियां लिखना है। और एक मैं काम आपको देता हूँ, इधर मैंने स्लाइड नहीं बनाया बट आपको सुनना है। आपको एक काम देता हूँ बच्चों, जो अपनी दिनचर्या है, अपनी दिनचर्या यानी सुबह से आप उठते हो, लेकिन शाम में सोते हो, खाना खाने के बाद। सुबह में उठना, ब्रश करना, नहाना, स्कूल में जाना है कि नहीं, पढ़ाई करना, स्कूल जाकर स्कूल में पढ़ना, शाम में घर पे आना, ट्यूशन क्लासेस, ट्यूशन क्लास से आने के बाद खाना खाना और सोना, ये आपकी दिनचर्या है। और अपनी दिनचर्या आपको बनाना है, दिन भर आप क्या करते हो आपको लिख कर रखना है। और वो लिखकर आपके स्कूल ग्रुप पे डालना है। ये आपके दो होमवर्क है आज के स्वाध्याय है। देखो एक बार और रिपीट करता हूँ, जल ही जीवन है, जल इस विषय पे, जल ही जीवन है इस विषय पे आपको 5 पंक्तियां लिखना है। 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, जितना चाहिए उतना लिख सकते हो। अंडरस्टूड। और दूसरा हमारा जो है अपनी दिनचर्या बनाओ और वो तुम्हारे ग्रुप पे क्या करना है आपको बताना है, लिखकर डालना है, उसके फोटोज डालना है। आपके जो भी सर है, जो भी आपके टीचर्स है, वो क्या करेंगे चेक करेंगे और आपको बताएंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चों?